कैसा लगा फिल्म के सेट पे जाके आपको दोबारा? बहुत अच्छा लगा, ऐसा फील नहीं हुआ कि या नो गुड वे, नो इट्स परफेक्ट, मैं कह रहा हूं ठीक बंदे नहीं भेजे ना बहुत बुरी प्लानिंग चल रही है, ये लोग तो गड़वा देंगे मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि सब लोग इतने अच्छे हैं, अच्छा इतनी अच्छी फैमिली वाइब है, सीरियसली हमने बहुत मजे से शूट किया, फील नहीं हुआ फिल्म का सेट है बिकॉज़ 6 दिन का काम, ऑब्वियसली शॉर्ट फिल्म है ना, तो इस वजह से मुझे फील नहीं हुआ, बट बाकी शूट करने में बहुत मजा आया, एक्टिंग करने में बहुत मजा आया, कॉमेडी सीन्स में मजा आया और हम बहुत हंसे भी, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। आपके साथ बाबर अली भी हैं इस फिल्म में, जी ट्रेलर में, कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ? मेरा तो सिर्फ एक ही सीन था उनके साथ, एक सीन में भी वो बता जाते हैं सुपरस्टार, बिल्कुल और बार बार एवरी टाइम एक रिएक्शन डिफरेंट आता है इस फिल्म के साथ। मैं कह रहा हूँ ये तो नहीं होगा कि लोग अपने दोस्तों को भाई देख लो टिकट ले लो और मगर जाना 30 मिनट बाद या इतने मिनट से इतने मिनट पे जाना और इतने मिनट पे उठ जाना, ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में लोग देखेंगे फिल्म को क्योंकि फिल्म की एक ऑडियंस है, मैंने जोड़ लिया वो तो आती है, हम उसको नॉक कर रहे हैं वो लोग जो नहीं आते, जो नहीं निकलते, जो इंटरनेट पे लिखते हैं उनमें से 80% लोग तो आते ही नहीं है, छोड़ दे तो मैं भी बाय द वे एक्चुअली मैं इतनी फिल्में कर ली एक्चुअली, आपके मेरे साथ 5 फिल्म हो गए, 5 फिल्म स्टार हो गए, 5 फिल्म स्टार हाँ, इतने इतना वैसे वाकई इतना ब्लंट इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं, जैसे मानी है और मानी ने जो हीरा को भी जो खराब किया नहीं, बहुत ब्लंट है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे जाके ना मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन मानी का तो मैं फैन हूँ और क्या नाम है, अभी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी सिनेमा का ना बड़ा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, इस तरह की नई चीजें एक तो सामने आ रही हैं, नए डायरेक्टर्स सामने आ रहे हैं, फिर अभी कांस में हम लोगों को बहुत ज्यादा अभी बहुत डिफरेंट किस्म का कंटेंट और अपना तजर्बा हो रहा है, लोग अपने एक्सपेंस पे तजर्बा कर रहे हैं, बड़ी नई नई किस्म की फिल्में आ रही हैं, तो मेरी तो दुआ है कि हमारा सिनेमा थोड़ा ऊपर जाए इंशाल्लाह, और मेरी ये भी दुआ है कि मानी को अवार्ड भी मिले, अब मेरी दुआ है कि मानी को एक और नया अवार्ड मिले, मानी वापस करके आ जाए क्योंकि मानी कहेगा अब देने का फायदा नहीं होगा, यानी काम करता रहे बंदा अवार्ड ना मिले, क्योंकि अवार्ड जो है ना नॉर्मली इससे फर्क नहीं पड़ता कोई भैया, तो अवार्ड के साथ दो प्लॉट दे रहे हो बैरियर टाउन में, बिल्कुल सही बात है, फिर तो अवार्ड की वैल्यू है, यहाँ 20-30 लाख रुपए दे रहे हो आपको यार, वो भी नहीं मिल रहे, नहीं इंशाल्लाह मानी हमारी हमारी दुआ है कि आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों मिलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं मिला, मैं भी कह रही हूं, अरे कुछ नहीं होता अवार्ड, अवार्ड से कुछ नहीं होता, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले वो बजात लोगों ने बड़ी अच्छी बात की थी, कहता है मुझे भी अवार्ड का कोई शौक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवार्ड मिलेगा, अवार्ड शो से शौक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं कहूंगा नहीं भाई मुझे मजा नहीं आया अवार्ड मिला, दिल को लगी बुरा लगा, इस तरह की मजे मजे की बातें चलती रहेंगी और इस फिल्म के बारे में आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हीरा से, हीरा अगर हम ब्रेक पे जाते जाते आपका गाना सुन लें क्या हो सकता है ऐसा? हाँ हाँ हो सकता है, क्या गाना? ये कौन सा? हाँ अपनी अपनी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनी नहीं जमाने ने तेरे मेरे कहानियां, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियां, सही बहुत मजा आ रहा है और ईद की बातें भी हो रही हैं और फिल्म की बातें भी हो रही हैं, लेकिन एक जगह हमने खाली देखी है अभी तक और उस पे एक शख्स का बैठना बहुत ज़रूरी है, उनको आपने इस कटआउट में तो देखा होगा, अब आपकी उनसे असल में मुलाकात करवाएंगे, तो आइए उनको बुलाते हैं, डांस अदाकारी और डायरेक्शन के माहिर, प्लीज़ वेलकम शहरयार मुनव्वर। फिल्म जो आपकी आ रही है तेरी मेरी कहानियां,